इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2017 की भारी सफलता के बाद एक बार फिर नागपुर पर भरोसा करते हुए इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 की मेजबानी की जिम्मेदारी नागपुर पर सौंपी गई है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन एशिया और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की साझेदारी में यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन नागपुर में आयोजित कर रही है। नागपुर वासियों, यह प्रतियोगिता महामेट्रो लेकर आ रहे हैं, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण लखानी द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। इस चैलेंज के लिए 12 देशों से 530 खिलाड़ियों ने 112 प्रति इवेंट पंजीयन किया है। इसमें भारत 347, जापान 6, मलेशिया 1, मालदीव 10, युगांडा 4, झाम्बिया 3, जिम्बाब्वे 1, अमेरिका 2, कनाडा 1, थाईलैंड 11, श्रीलंका 5 और संयुक्त अरब अमीरात 1 देश सम्मिलित है। इस चैलेंज में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्र युगल यह इवेंट्स रहेंगे। इन इवेंट्स में खेलने वाले आला खिलाड़ी इस तरह हैं: पुरुष एकल में किरण जॉर्ज 64वां स्थान, महिला एकल में मालविका बंसोड़ 47वां स्थान, पुरुष युगल में एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला 35वां स्थान, महिला युगल में अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम 53वां स्थान और मिश्र युगल में ईशान भटनागर और तनिषा क्रेस्टो 41वां स्थान। यह इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में 560 प्लेयर्स खेलेंगे। तकरीबन 12 देशों से इसमें प्लेयर आ रहे हैं, जैसे जापान, अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जिम्बाब्वे, अफ्रीका के कुछ देश हैं। ये सभी प्लेयर्स जो हैं ये 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यहाँ पर खेलेंगे। मानकापुर स्टेडियम में यह टूर्नामेंट होने जा रही है। 560 टोटल खिलाड़ी रहेंगे। इसमें मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेन्स डबल्स, मेन वुमेन डबल्स और मिक्स डबल्स, ऐसा हर एक कैटेगरी में 112 प्लेयर्स इसमें खेलेंगे, जिससे कुल 560 प्लेयर अलग अलग देशों के यहाँ पर खेले जाएंगे। इसमें यहाँ से जापान, जिम्बाब्वे, अमेरिका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस तरह के सभी देशों से इसमें आ रहे हैं। ये पहली टूर्नामेंट है जो नागपुर में इंटरनेशनल लेवल की हो रही है BWF के अंतर्गत। इसमें कुल जो प्राइजेस है वो यहाँ पे $15,000 के प्राइजेस हैं इसमें, जो कि पांचों ही कैटेगरी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और उसके अंदर पहले जो 4 लोग रहते हैं, फर्स्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, इनके अंदर वो प्रपोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नागपुर में लेने का उद्देश्य ये है कि बैडमिंटन को बढ़ावा मिले। थॉमस कप के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी बैडमिंटन को चालना मिली है। हमारे यहाँ पे कई अच्छे प्लेयर्स हैं जो पहले सिर्फ पुणे, बॉम्बे में प्लेयर रहते थे, आज स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे यहाँ के प्लेयर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली खर्च कम में भी अगर इंटरनेशनल प्लेयर टूर्नामेंट उन्हें खेलने मिले तो उससे उनकी रैंकिंग बढ़ेगी और वो ज़्यादा अच्छी टूर्नामेंट्स इंटरनेशनली खेल पाएंगे। ये इसके पीछे का उद्देश्य है कि भारत में, और उसमें जब हमें मौका मिला तो हमने नागपुर को उसको हमने बोला कि हम कर सकते हैं ये टूर्नामेंट यहाँ पर। नागपुर के आला बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़, रितिका ठक्कर, अनन्या दुरुक्कर, हृदय देशमुख, श्रुति चोखा, अजिंक्य पापरकर, सिमरन सिंधी, अक्षय शेट्टी आदि का खेल भी यहाँ देखने मिलेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।